गांव में बहुत सारी टुन्नी चिड़िया और कल्लू कौवा एक साथ रहा करते थे। एक गरीब परिवार की थी टुन्नी चिड़िया, जिसकी शादी कल्लू कौवा से हो जाती है। उसका नाम रानू रहता है। रानू चिड़िया अपने पति के साथ जंगल में जाई रहती है। वहां जाके वो लोग कुछ फल तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और वो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए खाना नहीं जुगाड़ कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। इसलिए वो लोग फल ही तोड़ के लाते हैं। कल्लू कौवा और टुन्नी चिड़िया आपस में बात ही कर रहे थे और खाने ही जा रहे थे फल, तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज आती है। वो लोग जब पलट के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो लोग आपस में बातें शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद फिर से वही रोने की आवाज आती है। वो लोग आवाज देते हैं कि जो भी हो सामने आओ, कौन पीछे से रो रहा है, हमारे सामने आइए ताकि हम आपकी मदद कर सके। तब उनके सामने धीरे धीरे करके एक बहुत ही बुढ़ी टुन्नी चिड़िया आती है। वो अपना नाम चुन चुन बताती है। चुन चुन टुन्नी चिड़िया कहती है कि मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? बेटा मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं कि मैं दाना चुनूं या फिर अपने लिए खाना तोड़ के ला सकूं कहीं से। वो लोग कहते हैं कि अरे माँ जी, हम लोग खुद दो दिन से भूखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास तो भगवान ने इतनी शक्ति दी है और हाथ पैर सलामत रखे है कि हम लोग अपना खाना का जुगाड़ कर सकते हैं। आप हमारा ये फल खा लीजिए, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है माँ। तभी वो चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत दिनों से भटक रही थी शिकार पे। उसकी असली रूप देखकर रानू और उसका पति घबरा जाता है। वो कहती है अरे बच्चों बिल्कुल मत घबराओ, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो और मैं अच्छे कौवों की और उसकी पत्नी को बिल्कुल नहीं मार सकती। उसकी बातें सुन के वो लोग को थोड़ी राहत मिलती और उनके सामने वो दोनों रोने लगती हैं। वो लोग कहती है माँ जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, खाने को लाले पड़े रहते हैं, हमें तो बिल्कुल कोई खाना नहीं देता, क्योंकि मैंने दूसरी बिरादरी में शादी की है कल्लू कौवा से, इसलिए कोई हमें प्यार भी नहीं करता और हमें देख के थू थू करता है। कल्लू कौवा भी उस भूतनी के सामने रोने लगता है। भूतनी चिड़िया कहती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, तुम लोगों के ऊपर अब मेरा साया रहेगा, अब तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग इतने अच्छे दिल के हो, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम लोगों को एक जादू दिखाऊंगी। और वो ये कह के गायब हो जाती है। वो लोग अभी बात ही कर रहे थे तभी वो लोग अचानक एक नई जगह पे आ जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा घर रहता है और नाव रहता है। वहाँ पे उनके पास बहुत सारी मछलियाँ तैर रही होती है। तभी उन्हें आवाज आता है कि ये घर तुम्हारा है बच्चों, अब इस घर के तुम लोग मालिक मालकिन हो, और जो भी तुम्हारे दरवाजे पे गरीब या भिखारी आए उसे कभी वापस मत लौटाना, क्योंकि वो लोग मजबूरी में तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ठग भी भिखारी का रूप लेके आए, लेकिन तुम लोग पहचान करो इंसानों की और ऐसे किसी को ना भगा दिया करो, भूखे प्यासे को खाना दे देना। वो लोग कहते हैं अरे माँ जी, आपने मेरी बहुत मदद की है, हम लोग अब हमेशा ऐसे ही करेंगे, आप भी चिड़िया के लिए दाना रख ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, इतना देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।